मेरी किस्मत में होती तो एक बार मुझे ढूंढा होता ना, मैं मिल जाती। लेकिन उनका छोड़ दो, वो गुस्से में थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तुम लोगों ने कुछ कहा, कुछ बोला, उन्हें रोकने की कोशिश की, कुछ नहीं किया तुम लोगों ने। रोकना था आपको, बहुत बात करनी थी, बहुत कोशिश की, पर नहीं रोक पाई ना दिशा। और तुम्हारी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है, किस्मत से हार गए ना। जैसे वो मेरी किस्मत में नहीं लिखी है, वैसे शायद तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम्हारी बड़ी बहन से तुम्हें दूर रहना। दिशा, ये हाथ की लकीरें हमारे हाथ में होती है लेकिन हमारे पास में नहीं होती। तुमने मेरी किस्मत देखी, इतनी खराब है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने जब उनसे शादी की, मुझे प्यार नहीं था उनसे, प्यार हुआ तो उन्हें मिलता, उन्हें प्यार हो गया तो मुझे नफरत का नाटक करना पड़ा। दोनों को प्यार का एहसास हुआ तो उनकी आदर्श चली। मैंने खुद अपनी आंखों के सामने उन्हें किसी और के साथ मंडप पे बैठते हुए देखा है दिशा, और ये सब भी ठीक हो गया ना तो फिर से हम अलग ही हो गए ना दिशा। मुझे मुझे रहना था उनके साथ, क्योंकि मैं जब भी उनके साथ रही हूँ मैंने सिर्फ प्यार का इम्तिहान दिया है, प्यार तो किया ही नहीं ना, जी भर के प्यार ही नहीं कर पाई हूँ मैं। मुझे रहना था उनके साथ, मुझे और प्यार करना था। रहेंगे साथ, अब साथ रहेंगे, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। प्यार मुझसे करते तो शादी तनु से क्यों कर ली? नहीं नहीं नहीं, आपको वही बताना था जो सोच रही हूँ। नहीं, मैं जानती हूँ मैं क्यों सोच रही हूँ दिशा। प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तुम भी कर लो। कभी कभी दो लोग एक दूसरे से प्यार करते लेकिन अलग अलग खुश रहते। वो खुश है तनु के साथ और मैं मिस्टर सिंह के साथ खुश हूँ। मिस्टर सिंह बहुत अच्छे इंसान है, मेरी हर खुशी का ख्याल रखते हैं, वो केयर करते हैं मेरी। वो तुम्हारी दुनिया है, तुम उसकी दुनिया हो, और तुम दोनों मेरी दुनिया। और मैं भी बहुत इज्जत करती हूँ उनकी, उनकी केयर करती हूँ, प्यार करती हैं। नहीं समझोगे, मैं समझा भी नहीं पाऊंगी। मत बोलो कुछ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल पाऊंगी। दिया, आप मुझसे अपना सच छुपा गई पर अपने दिल का हाल नहीं छुपा पाई। आपसे बात करके इतना तो क्लियर हो गया कि आपके दिल में जीजू के लिए अब भी जगह है, और जीजू तो आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं और कियारा से भी। किस्मत में प्यार करने वालों का साथ रहना ना लिखा हो, पर एक बेटी का माँ बाप के साथ रहना जरूर लिखा है। ये प्रज्ञा, प्रज्ञा कहाँ चली गई? पहले चेक करती हूँ उस पियून ने अपना काम किया या नहीं। सर, कहाँ? वो वहां उस रूम में है कियारा, उस कमरे में। हेलो, काम हुआ क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही है। मैं तो प्रॉब्लम होगा, मैं देखता हूँ। हेलो, काम हुआ क्या? हेलो, सुनाई दे रहा है तुम्हें? काम हुआ क्या? यही है ना वो? कियारा ने मुझे यहां क्यों बोला? ये अंधेरे में उसे डर नहीं लग रहा? नहीं, कियारा डरने वालों में से नहीं। आई थिंक उसने मुझे यहां डराने के लिए बुलाया। कियारा, हे कियारा, तुम मुझे डराना चाह रही हो ना?
तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर तुम सोच रही हो कि तुम भूत बनकर मेरे सामने आओगी तो शायद मुझे हंसी आ जाए, इसलिए बाहर आ जाओ। I'm waiting. मैं नहीं डरने वाला कियारा। ओके फाइन, डर लग रहा है मुझे अब। तुम जीत गई, ठीक है अब तो बाहर आओ कियारा। दरवाजा बंद हुआ है इसका मतलब कियारा तो बाहर ही होंगे ना। ओके फाइन कियारा, तुम जीत गई। ऑलराइट, मैं हार गया। केरा दरवाजा खोलो, तुम्हारा सुपरमैन डर गया है। केरा ओपन द डोर। केरा, तुम्हें तुम्हारे फेक डैड की कसम, दरवाजा खोलो। केरा तो यहाँ है ही नहीं, किसी ने मजाक किया है। बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। भगवान ने शक्ल दी है लेकिन अकल जरा भी नहीं दी है। पता नहीं उस रॉकस्टार की दिमाग में क्या पत्थर पड़ गए थे जो ऐसे तनु जैसी लड़की से शादी की उसने। अरे आप एक स्टार की वाइफ है ना, एक आपको देखिए और एक वो तनु को देखिए। तनु ने ना स्टार से शादी तो कर ली लेकिन एक स्टार की वाइफ की इमेज को कैसे कैरी करना है या फिर उसे कैसे ध्यान में रखना है, कैसे बात करनी है लोगों से, उसे जरा भी नहीं पता है। क्या हुआ? मैंने सिर्फ उनके हस्बैंड के बारे में इतना कहा कि ही इज अ गुड लुकिंग, ही इज हैंडसम। अब सिर्फ आप ही मुझे बताइए कि कोई भी स्टार की फीमेल फैंस होंगी वो तो ऐसी ही बातें करेंगी ना। आपने कहीं देखा है उन्हें? किन्हें? आप रॉकस्टार। ओ, आपको भी वो अच्छे लगते हैं ना, हैंडसम है ना वो। बोलिए, छुपाइए मत, मुझे कुछ काम था उसे। अच्छा, मैंने ना उन्हें बेसमेंट की तरफ जाते हुए देखा था, वो जो स्टोर रूम है ना, एक प्यून के साथ थे। थैंक्स। या मम्मा अभी तक नहीं आई। और मम्मा का फोन भी नहीं लग रहा है। हम माइक पे अनाउंस कर दे कि कियारा गिर गई तो मम्मा उड़ते उड़ते मेरे पास आएगी जहाँ भी होगी। नो, और मम्मा आके देखेगी और चोट नहीं लगी है तो डांट मुझे पड़ेगी। मैं एक्टिंग कर लूंगी कि मैं असली में गिर गई। जितनी एक्टिंग तुम्हें करनी थी ना वो स्टेज पर हो गई है, अब नो मोर एक्टिंग। वहाँ की क्वीन, यहाँ की ड्रामा की, नो चांस। ए दादा, क्या मैंने आपको अपने सुपरमैन के बारे में बताया? क्या बताना था? जब आप नहीं आ रहे थे तो मैंने कहा था ना कि वो कृषि आपको मिलेगी, तो वो कृषि मैंने अपने सुपरमैन को दे दी। मैं तो आ गया हूँ कियारा। पर मुझे थोड़ी ना पता था कि आप आने वाले हो, तो मैंने वो कृषि उनको दे दी। ओके, इमेजिन अगर कभी किसी रीजन के वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया तो तुम क्या अपने सुपरमैन को मुझसे रिप्लेस कर दोगी? हाँ, मैं आपको प्रिंस को रिप्लेस फ्रेंड्स कर सकते हैं, मॉम और डैड को रिप्लेस नहीं किया जाता। प्रिंसेस, बट डैड आई लव हिम। यू नो, ये सुन के ना जो थोड़ी सी जलसी हो रही। वो भी आपसे जलसी करते हैं। ओके ही, तुम जो मेरे पास हो, मैं और मम्मा दोनों। यस। जियो पेरेंट्स एंड किड्स, इंटर स्कूल ड्रामा कॉम्पिटिशन के रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं, सो प्लीज आप लोग ऑडिटोरियम में पहुंच जाइए। लेकिन मम्मा तो आई नहीं। हो सकता है वो ऑडिटोरियम में हो। लेट्स गो। फाइनली वो टाइम आ गया जब जीजू को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सच पता चलने वाला है। आई होप ये लोग अभी के आने का वेट ना करें और उसके बिना ही अवार्ड सेरेमनी कंप्लीट कर दें, क्योंकि अगर ये लोग अभी को ढूंढ के स्टेज पे ले आए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। कोई है बाहर? दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। इट्स अ फाइनल कॉल फॉर एवरीवन, सभी बच्चे और पेरेंट्स ऑडिटोरियम में पहुंच जाएं, अवार्ड सेरेमनी शुरू होने वाली है।
वो लोग तुम्हारे पेरेंट्स को स्टेज पर बुला नहीं वाले, और मैं चीफ गेस्ट हूँ, मुझे तो आना ही पड़ेगा, तो स्टेज पर ही मिल लूंगा ना। कंपटीशन हम जीतेंगे। कीरा विनर है, अवार्ड उसे मिलेगा, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसे खुश देखना है। मैं आ रहा हूँ कीरा। एक्सक्यूज मी, आपने मिस्टर अभिषेक मेहरा को देखा? लगता है अभिषेक मेहरा ने इन्हें फोन करके बुलाया है कि मैं वहाँ बंद हूँ। आपने मेरी बात सुनी? अरे वो जो चीफ के, अरे इसे क्या हो गया? वो जो अभिषेक मेहरा के बारे में पूछ रही थी, अगर उसने अभिषेक की आवाज सुन ली तो वो दरवाजा खोल दी। काम? अभिषेक प्रेम मेहरा को एक दो घंटे के लिए कहीं लॉक करना। पैसे तो अभिषेक मेहरा को बंद करने के लिए थे, कहीं वो बाहर ना आ गया हो। एक्सक्यूज मी, ये ऑडिटोरियम किस तरफ है? उस पर। ओह थैंक यू। आलिया, थैंक गॉड तुम आ गई, मुझे तो आना ही था, क्योंकि बिना मेरे आए किसी प्रॉब्लम का सलूशन तो निकलता नहीं। गुस्सा मत हो आलिया, मैंने वही किया जो तुमने मुझे कहा। अभी चारा और प्रज्ञा को एक साथ नहीं देखे। लेकिन तुमने किया क्या? मैंने यहाँ स्कूल के प्यून को पैसे दिए, उसे ये कहा कि इसी स्कूल में स्टोर रूम में अभी को बंद कर दे, जब तक फंक्शन खत्म नहीं होता तब तक वो बाहर नहीं आ पाएगा। ये है तुम्हारा प्लान भाई को उन दोनों से दूर रखने का? राइट, अच्छा है ना? यू नो व्हाट, मुझे ना तुम्हें कोई काम देना ही नहीं चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये तनु कि भाई इस फंक्शन में चीफ गेस्ट है, तो जब फंक्शन खत्म होने पे सबको समझ में आएगा कि चीफ गेस्ट ही मिसिंग है तो तुम क्या करोगी? और जब सब लोग उन्हें ढूंढने के लिए निकलेंगे और भाई को वहाँ स्टोर रूम में पाएंगे, तब उन लोगों के साथ साथ भाई को भी रियलाइज होगा कि उन्हें जानबूझ के अंदर बंद किया गया है। तुम कुछ भी करके भाई को अपने साथ में ही नहीं रख सकती, उनके साथ चिपक जाती या फिर बोल देती कि वर्क इमरजेंसी है। अरे चीज़ों को सिंपल करने के बजाय तुम कॉम्प्लिकेट क्यों करती हो? मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, ये एक ही सोल्यूशन था मेरे पास। और तुम अच्छे से जानते हो कि यार अभी मेरे साथ 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकता, फिर कैसे चिपके रहूँ मैं उसके साथ? और तुम ये भी जानती हो कि अभी क्यारा के लिए ना अपना शो तक छोड़ के आ जाएगा, तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी क्रिएट करूँ मैं जिसकी वजह से वो यहाँ से चला जाए? रही बात ढूंढने की, तो अभी को स्टोर रूम में कौन ढूंढेगा? और रही बात शक की, तो अभी को मुझ पर शक नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन जैसे ही खत्म होगा सबसे पहले मैं जाऊंगी उसे वहां से निकालूंगी। तनु फॉर गॉड सेक, एटलीस्ट मुझसे पूछ के तो प्लान एग्जीक्यूट करना था तुम्हें। अगर मैं तुमसे पूछती भी ना तो तुम भी मुझे यही सॉल्यूशन बताती, और उस वक्त पता है क्या, तुम खुद को स्मार्ट बताती और मुझे स्टूपिड बताती जिसके पास कोई दिमाग ही नहीं। अलिया, इतने सालों में ना तुम्हारे दिमाग पे जंग लग चुकी है और मेरे दिमाग पे धार। आई एम स्मार्टर देन यू, अभी क्यारा और प्रज्ञा को एक साथ नहीं देखेगा। और आई रियली होप प्रज्ञा भाई तक ना पहुंच जाए, क्योंकि हो सकता है क्यारा भाई की बेटी हो ही ना। ये पूरा एक प्लान हो प्रज्ञा का, उसने जानबूझ के क्यारा का एडमिशन सनी के स्कूल में करवाया, फिर क्यारा को सनी का दोस्त बनवाया ताकि उसका हमारे घर में आना जाना शुरू हो जाए और भाई उसे पसंद करने लगे, क्योंकि प्रज्ञा जानती है भाई को बच्चे बहुत पसंद है, इसलिए उसने अपनी बेटी को ही मोहरा बनाया भाई को लाइफ में वापस लाने के लिए, जैसे कभी तनु ने बनाया था किसी और के बच्चे को भाई का बच्चा बोलकर। ये प्रज्ञा तो तनु से भी 2 कदम आगे निकली, तनु का बच्चा तो इस दुनिया में आया ही नहीं था, प्रज्ञा तो जीती जागती बच्ची ले आई है। कोई है? बाहर कोई है? यहाँ से तो नहीं आ रही। कहीं ये दरवाजा ना खोल दे। बस तो यही से आ रही। सुनिए, आप है वहां?
कौन? मुझे लॉक करके रखा था। हाँ? मैं पता भी है मैं कौन हूँ? I'm Abhi, Abhi the rock star. नाम तो सुना ही होगा, इसलिए मुझे चुना होगा। लेकिन अब मैं तुम्हें चुनूंगा, चुन चुन के मारूंगा। कहते हैं ना, हाथों के भूत लातों से नहीं मानते। अब लात की बारी। ये तो गुंडी है। क्या कर रहे आप? दिल जला सा मैं अंधेरा एक दूजे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा तू घटा है फुहार की मैं घड़ी इंतजार की अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है ना जो मेरे दिल को दिल बनाती है तेरे नाम की कोई धड़क है ना तुम चूर का लगी श्योर लेकिन तुम यहाँ कर क्या रही? आप यहाँ क्या कर? मैं? अरे मुझे किसी ने लॉक कर दिया था ना? आपको कोई क्यों लॉक करेगा? आप चीफ गेस्ट हैं यहाँ। अरे नाम का चीफ गेस्ट हो? मुझे चीफ गेस्ट बना दिया यहाँ पर। अरे मुझे कंपटीशन जज करना है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, लेकिन मुझे यहाँ पर बंद करके रख दिया। ये तो मैं कह रही हूँ, कोई आपको लॉक क्यों करेगा? क्यों करेगा? मुझे क्या पता क्यों करेगा? You don't believe me? तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है? No trust. कहा गया वो क्या वो हैंडल हैंडल किधर गया क्या देख के क्या ही हैंडल हैंडल मेरे हाथ में आ गया है कैसे दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था मैं दरवाजा बंद था लॉक हाथ में आ गया कोई आपको यहाँ क्यों लॉक करेगा तुम्हें अभी यकीन नहीं हो रहा अरे मैं स्टोर रूम के अंदर ऐसे चल कर आया और जैसे ही मैं चल कर आया मेरे पीछे दरवाजा हो गया बंद बिल्कुल ऐसे क्या ऐसे दरवाजा खोलो ओए कितनी बातें करते हैं आप अभी तक हम लोग यहाँ से भाग गए होते लेकिन आपको तो बातें करनी थी ना हम हो गए ना लॉक फिर से मतलब क्या मेरी वजह से हम लॉक हो गए क्या और नहीं तो क्या 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 अरे क्या 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 आप क्या कर रहे थे मुझे मार क्यों रहे थे मैंने कहा ना मुझे लगा कि वो आया है जिसने मुझे अंदर लॉक कर दिया था आपको देखना चाहिए था ना कैसे देखो तुम्हारे चेहरे पर कंबल था कंबल डाला भी तो आप ही ने ना आप बातें मत बनाइए आप मुझे मार रहे थे क्योंकि आप मारना चाहते थे मैं तुम्हें क्यों मारूंगा क्योंकि मैं आपको परेशान करती हूँ ना इसलिए तुम कहाँ परेशान करती हो क्या करती थी आप नहीं तो इसलिए मार रहे होंगे क्योंकि आप परेशान नहीं करती तुम ना कुछ भी बोलती हो कुछ भी सोचती हो कुछ भी करती हो तुम जैसी अनप्रेडिक्टेबल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी इतनी लड़कियों से मिलते कोई तो देख ली होगी आपने मतलब पहले तनु थी उसके बाद पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड्स रही होंगी आज एक टीचर भी मिली थी तारीफ कर रही थी आपको क्या कह रही थी क्यों सुन रहे हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है पर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा और ये देख के तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है कि तुम्हें फर्क पड़ रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे आदत है इन लड़कियों की आपकी फीमेल फैंस की मुझे पता है कि जहाँ से आप गुजरते हैं लड़कियों की लाइन लग जाती है इसलिए मिल गई होगी ना कोई मेरी जैसी प्रेडिक्टेबल इतने सालों का गुस्सा तुम एक साथ निकाल दिया गुब्बारे गुब्बारे और जिस दिन निकलो ना फटके गुब्बारे हो जाएंगे वो ये वाला वो कैसे निकला वो तो तुम हो फुगा सॉरी तुम तो फुकी हो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मैं डालूं आपके ऊपर कंबल कंबल लड़कर क्या होगा छोड़ो ना वैसे भी यहाँ से निकलने का सोचते हैं कैसे जाए बाहर ना हवा है ना लाइट ये सब होता तो रुक जाते